उन्हें तो 24 घंटे अपना ऑफिस ही नजर आता है, मैं नहीं। मेम साहब। हाँ बोलो। अगर मेरी बीवी इतनी खूबसूरत हो ना तो अपने से दूर कभी नहीं करूंगा। अरे वाह, आप तो अपनी पत्नी को बहुत प्यार दोगे। मैं उन्हें एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करूंगा, पलकों पर बिठाए रखूंगा। वो बहुत किस्मत वाली होगी जिन्हें आपका साथ मिलेगा। सारे जहां की खुशियां लाकर उसके चरणों में डाल दूंगा। अच्छा जी मैम, मैं साहब की तरह नहीं हूं जो अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल भी नहीं रखते। हाँ गौरव, तुम ठीक कह रहे हो। उई माँ। क्या हुआ मैम साहब? तुमने तो एक ही झटके में बदन की सारी जकड़न तोड़ दी। ये तो कुछ भी नहीं मैम साहब, मैं तो फुल बॉडी की मसाज भी कर सकता हूँ। अच्छा नहीं, रहने दो, फिर कभी देखते हैं। अब तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। जी मैम साहब। डोंट टच मी। क्या यार अंजलि, अब तक गुस्से में हो? मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहती, आपको तो 24 घंटे अपने ऑफिस की लगी रहती है, अपनी पत्नी का कोई ख्याल नहीं। अगर आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की थी? अरे यार, इन छोटी छोटी बातों को इतना महत्व क्यों दे रही हो? अक्सर पति पत्नी की कहा सुनी हो ही जाती है। इस कहा सुनी के अलावा क्या दिया आपने मुझे? थप्पड़? क्या थप्पड़ मारने के लिए ही मुझसे शादी की थी? अरे यार, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, फर्क इतना है आप मुझको समझ नहीं पा रही हो। अरे मेरी प्राइवेट जॉब है, कोई सरकारी नहीं, वहाँ छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है। फिर मैंने कब मना किया है? आप ड्यूटी मत करो, ऑफिस में ही सो जाए करो, घर आने की जरूरत क्या है? अंजलि, शायद ये शिकायत तो तुम्हें मुझसे हमेशा रहेगी, फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। Thank you.
क्या खुशबू है, पता नहीं मैडम कौन सा इत्र इस्तेमाल करती हैं। क्या है ये सब? अगर आपके सांप देख लेते तो? जी वो तो चले गए। कब? बस अभी 10 मिनट पहले। ठीक है, पर ऐसी हरकत दोबारा नहीं। ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा था? कहीं इसके मन में पहले से तो नहीं? अब समझी, इसका मतलब गौरव का मेरी तरफ पहले से ही झुकाव था। गौरव? जी मैम साहब। इधर आओ। आया मैम साहब। जी मैम साहब। बैठो। अरे नीचे नहीं, यहाँ बैठो। कल आप क्या कह रहे थे? मैं सांप की तरह नहीं हूँ जो अपनी पत्नी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। सच ही तो कह रहा था मैम साहब। आप सही कह रहे हो गौरव, आजकल ख्याल और प्यार करने वाला मिलता ही कहाँ है। अरे नहीं मैम साहब, ऐसा नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते, कई बार हम पहचान नहीं पाते, प्यार करने वाला हमारे आसपास ही होता है। अच्छा जी, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, कहाँ से सीखी? लगता है तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड है। अरे नहीं मैम साहब, इन सब के लिए टाइम ही कहाँ मिलता है। अगर अब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो? अरे मैम साहब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। किस्मत बदलते देर नहीं लगती गौरव, मुझसे दोस्ती करोगे? आपसे मैम साहब? क्यों नहीं, मैं आपको सुंदर नहीं लगती? अरे नहीं मैम साहब, आप तो बहुत सुंदर हो, कौन नहीं चाहेगा आपसे दोस्ती करना। गौरव लगता है बाहर कोई आया है। अरे सुनो, मैम साहब कहाँ हैं? जी वो अंदर हैं। अंजलि? आज तो इतनी जल्दी आ गए आप। हाँ अंजलि, आज मैंने छुट्टी कर ली, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। अरे आप ही जाओ, मेरा मूड नहीं है। क्या यार, मैं तो मूवी की टिकट भी खरीद लाया, बहुत अच्छी मूवी लगी है, चलो ना। प्लीज यार, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फुल एंजॉय करेंगे और खाना भी वहीं खाएंगे। प्लीज यार चलो ना, तैयार हो जाओ। बच गई, थैंक गॉड। बहुत अच्छा खाना था, बिल्कुल घर जैसा। अगली बार आएंगे तो खाना इधर ही खाएंगे। क्या नाम था ढाबे का? मिस्टर प्रिंस ढाबा, एक नंबर का खाना। अगली बार पक्का आएंगे। आज तो मजा आ गया विशाल। बिल्कुल।
तुम सही कह रहे थे विशाल, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं आपको समझ नहीं पाई थी और इसी अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। मैं खुद अपने वैवाहिक जीवन को अपने हाथों से ही खराब करने जा रही थी। विशाल, अब मैं जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। गौरव, गौरव जी। मैम साहब, देखो गौरव, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमें आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। अब तुम जा सकते हो। बहनों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है, हमेशा अपने जीवन साथी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिससे आपकी घर गृहस्थी खराब हो या आपका घर टूटे। और ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और ऐसी वीडियो देखने के लिए जसवीर खत्री चैनल से आप जुड़े रहिए।